बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज राज और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र बीएससी थर्ड ईयर में है, जूलॉजी का सेकंड पेपर लेके आए, जूलॉजी के फर्स्ट पेपर को हमने पहले से अपलोड कर रखा है और जिन छात्रों के पेपर एमसीक्यू हो रहा है, कोई भी पेपर हो, फर्स्ट पेपर हो, सेकंड पेपर हो, तो उनके लिए हमने पीडीएफ को पहले से लॉन्च कर रखा है। आप पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर भी पढ़ सकते हैं और आप टॉपर बन सकते हैं। 2022 के आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो दिया है जिसका नाम है एक वीडियो नहीं दिया मतलब एक वेबसाइट है जिसका नाम है paperhacker.in। paperhacker.in पर सर्च करेंगे, नीचे वेबसाइट दी रखी है, वहां पर आपको फ्री में आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगी। सबसे ऊपर लिखा होगा पेपर हैकर एंड्रॉइड एप्लीकेशन, उस पर आप टच करेंगे तो वहां बहुत सारी एप्लीकेशन खुलेंगी। आप उसके सामने तीर का निशान पर लगा देना, एक तीर का निशान आएगा, फिर आगे पीछे करके देख सकते हो, बहुत सारी एप्लीकेशन हमारी पड़ेगी। वहां आपको नोट्स बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे, आप वहां से पढ़ सकते हैं या चाहे आप हमारे परचेज भी कर सकते हैं, जो अपना खुद बना सकते हैं, आसानी से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर जरूर लेना और साथ ही साथ दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि 2022 में आप 85% प्लस लाने वाले हैं, क्योंकि आप बनेंगे 2022 के टॉपर। क्योंकि आपको पता है अभी आगरा यूनिवर्सिटी का आज पेपर हुआ है और मैंने जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए थे वही पेपर में आए हैं, कुछ बाहर से नहीं आया है। आप विश्वास करिए और आपको भरोसा करना नहीं, करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जो क्वेश्चन देते हैं वही पेपर में आता है। सबसे बड़ी बात है आप देख रहे हैं, अब आप देख सकते हैं यहाँ पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को देखिए, आपको जूलॉजी के सेकंड पेपर में क्या क्या नोट करना है, क्योंकि 2022 में आप टॉपर बनने वाले हो। 2022 में यदि टॉप करोगे तो थोड़ा संघर्ष जरूर करना पड़ेगा और संघर्ष के लिए थोड़ी मेहनत जरूर लगती है और उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। टाइम आपके पास जो भी है उसमें बस जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वही पढ़िए, फालतू कुछ और देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो देखिए यहाँ कह रहा है, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ जो क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन है कि जिसे हम कहते हैं डीएनए, देखो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। देखो इसको बोलते हैं डीएनए टेक्नोलॉजी रिकम्बिनेंट, मतलब बोला जाता है जो पुनर्जित डीएनए टेक्नोलॉजी होती है जिसे हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं। देखो ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यही क्वेश्चन यहाँ है, यही क्वेश्चन यहाँ है, ऊपर वाले इस क्वेश्चन को याद करो। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है, विकास, इसका विकास क्या है, इसका योगदान कैसा रहा है, ये क्वेश्चन है। और ट्रांसजेनिक जंतु का वर्णन, उनका महत्व के बारे में आप देखेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको आप जो बॉक्स में आपको बंद कर रहा हूँ वही पढ़ना है, बाकी कुछ और नहीं देखना है। और कोई भी दिक्कत है आप कॉमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों नहीं हो यूपी के। बस जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, यदि आपके सिलेबस नोट्स गेस्ट पेपर जो भी है आप उस पर टिक लगा लीजिए, ठीक है, और अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, बस बाकी कुछ नहीं है। यदि आपको कोई लगता है कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन को हमारे नोट्स द्वारा पढ़ सकते हैं जो हमने बिल्कुल फ्री में नोट्स दिए हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, paperhacker.in का .in पर जाकर एप्लीकेशन मिल जाएगी। यहां देखिए जीन क्लोनिंग क्या होता है, जीन क्लोनिंग को आप याद करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में आप नीचे जाइएगा, ये क्वेश्चन को टिक लगाइएगा, अनुवंशिक यांत्रिकी इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग की परिभाषा, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग किसे कहते हैं ये आप देखेंगे। वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन के टाइपों को याद करिए, वैक्सीन होता क्या है, वैक्सीन के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार की वैक्सीन होती है, ये आप याद करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पूछा गया है जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा ऊर्जा के संकट से, ठीक है, निपटारा कैसे करेंगे। मान लीजिए जो जैव प्रौद्योगिकी है उसके द्वारा ऊर्जा के संकट से निपटारा कैसे किया जाता है, वो आपको याद करना है। और यहाँ बोला गया है प्रकाश कह सकते हैं विकिरण मापी क्या होता है, प्रकाश विकिरण मापी को आपको याद करना होगा, ये क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद में आप नीचे जाएंगे, देखिए ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता कितने प्रकार की होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कितने प्रकार की होती है। साथ ही साथ आप देखेंगे प्रतिरोधक शक्ति कौन सी होती है, प्रतिरोधक शक्ति को हम प्रतिरक्षण भी बोल सकते हैं, शक्ति को प्रतिरक्षण बोला जाता है। ये दो टाइप की होती है, एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है डी लिम्फोसाइट, ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट दोनों को पढ़ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, बहुत जरूरी है, क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर में जब रहे, याद रखना मेरी बात को, मजाक नहीं है ये आपको बस दिल से लगा के पढ़ाई करना है, क्योंकि आप जब इन क्वेश्चनों को देखोगे ना आपके बुक नोट्स गेस्ट पेपर में यही क्वेश्चन छप रहे हैं कि सर ने जो बता रहा है वही क्वेश्चन आ रहा है, पता नहीं क्या गजब है। क्योंकि अभी हाल ही में एक छात्र का मेरे पास फोन आया और उन्होंने कहा कि सर जो आपने बताया सच में वही आया, कुछ बाहर से आया ही नहीं है, तो ये चीज आपको देखना है यार, समझ रहे। उसके बाद में यहां देखिए, यहां कह रहा है क्रोमेटोग्राफी इसका सिद्धांत क्या है, इस सिद्धांत को आपको याद करके जाना, यह है इंटर कह सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के सिद्धांत के बारे में, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, इसे इफेक्ट कौन कौन से कारक पहुंचा सकते हैं, ठीक है, यहां पे याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, मानक विचलन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पर टिक लगाइए, मानक विचलन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसे एचडी बोलते हैं, स्टैंडर्ड, ठीक है, डेविएशन बोल सकते हैं इसको, देखिए स्पेक्ट्रा कह सकते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इसको आप याद करेंगे,
प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सहसंबंध क्या होता है, ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेंगी, तो आप इन क्वेश्चन को टिक लगा लेना। यहां देखिए कह रहा है मध्य विचलन क्या होता है, जिसे मिड डिवीजन बोल सकते हैं, मध्य विचलन के बारे में देखेंगे। मानव जीमोन प्रोजेक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको याद करिएगा, मोस्ट पे लगा देना बेटा, इसको ध्यान से देखिए। नीचे हम जाएंगे प्लाज्मिड वेक्टर क्या होता है, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कई सालों से लगातार ये पूछा है प्लाज्मिड वेक्टर क्या होता है, और आप देखेंगे श्रृंखला, ये वाला देख रहे हैं ना पॉलीमरेज श्रृंखला की अभिक्रिया, जिसे हम कह सकते हैं पीसीआर, ठीक है, पॉलीमरेज चेन जो रिएक्शन होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। जीन बैंक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम जीनेटिक लाइब्रेरी बोल सकते हैं, ठीक है, जीनिक लाइब्रेरी बोलते हैं इसको, बहुत ये फिंगरप्रिंटिंग जो देख रहा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसमें एंटीबॉडीज के बारे में पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को रट लेना, इस क्वेश्चन को बेटा रट लेना, क्योंकि यही पेपर में छपेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है, यदि आप इन क्वेश्चनों को रट के चले जाते हो आप 2022 के टॉपर बनोगे, इस बात को आपको देख लेना। देखो मैं आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूं, जैसे ही पेपर हुआ करें आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया करो, व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाओ व्हाट्सएप को एक बार अपने फोन में सेव कर लो व्हाट्सएप नंबर, और अपना व्हाट्सएप पे नाम जरूर लिख दिया करो, ताकि मैं भी आपके नंबर को सेव कर सकूं, और अपना एड्रेस जहां के हो। यहां बोला गया देखो सर्दन ब्लॉटिंग क्या होता है, आप इसको देखेंगे ब्लॉटिंग के बारे में, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी ठीक है का सिद्धांत क्या होता है इसको पढ़ेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया ठीक है क्या होती है, और साथ ही साथ सेरोलॉजी क्या होता है, मध्य मध्यिका और बहुलक इनकी परिभाषा बहुत जरूरी है, बहुलक बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये मोस्ट पे लिख लेना ठीक है। ओवी कह सकते हैं, ओगिव क्या होता है, और यहाँ कह रहा है हिस्टोग्राम ठीक है, हिस्टोग्राम पर टिप्पणी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है हिस्टोग्राम वाला, ये आप देख रहे हैं ना हेवरिडोमा की तकनीकी क्या होती है, हेवरिडोमा टेक्नोलॉजी इसको आप पढ़ लेंगे ठीक है, हेवरिडोमा टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में क्या होता है ये वाला देखिए, ये आप देख रहे हैं ना SDS फेज क्या होता है, आप इसको पढ़ेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या है देखो, इसको बोलते हैं सेफिडक्स क्या होता है, इसको पढ़ेंगे, और पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में, इसको हो सके तो आपके गैस पेपर में जो भी क्वेश्चन मिल रहा है इनमें से, यदि एक दो क्वेश्चन नहीं मिल रहा है उसको छोड़ दीजिएगा, और जो जो मिल रहा है उस पर आप ध्यान दीजिए, बस उसका ध्यान दीजिए, और उसकी जगह पर जो नहीं मिल रहा है उसकी जगह एक दो क्वेश्चन अपनी तरह से पढ़ लेना, जो भी आपका दिल करता है, बाकी यही आएगा छपके, बाकी कुछ नहीं आएगा। ये आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं आंकड़ों का संगणन संक्षेपण बताइए, ये क्वेश्चन देख रहे हैं, और ये जो देख रहे हैं ना ये वाला ELISA पर टिप्पणी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीएच पैमाना, पीएच मीटर जो होता है पैमाना बोलते हैं उसके बारे में, और फेज यहाँ कह रहा है कह सकते हैं कॉन्स्ट्रेक्स माइक्रोसॉफ्ट, इसको देखना है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ये थे 2022 में आने वाले क्वेश्चन, आप इतने ही क्वेश्चन पढ़ना है और आपको लेके आना है 2022 में 85% प्लस। तो आपसे देखो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो पहली बार चैनल पर आए तो उनको सब्सक्राइब कर लेना, फ्री में हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, एप्लीकेशन जाकर डाउनलोड कर लो, पढ़ाई कर लो मस्ती से, और कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा, अच्छे से पढ़ाई करना है, संघर्ष तुम्हें करना होगा, विजय भी आप ही होगे ठीक है, और मजे भी हम दोनों को आएंगे, मजे किसको आएंगे आपको भी और हमें भी ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।